सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 15वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 15वां मंत्र जो है, ये प्रजापति व्रत के फल के विषय में बतला रहा है। इसके पहले के जो मंत्र हैं उसमें प्रजापति व्रत क्या था वह बताया गया था, और उसका जो फल है वह इसमें बताते हैं। कहते हैं, तद्धेह वै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम एवेश ब्रह्मलोको एषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम्। अर्थात इस प्रकार जो प्रजापति व्रत का पालन करते हैं वे मिथुन को उत्पन्न करते हैं, यानी जोड़े को उत्पन्न करते हैं जिनमें कि तप और ब्रह्मचर्य हैं, तथा जिनमें सत्य स्थित है, सत्य जिसमें प्रतिष्ठित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यहां प्रजापति व्रत के आचरण के विषय में बतलाया था पहले, प्रजापति व्रत का आचरण जो जो भी लोग करते हैं, तो कह रहे हैं कि उस तरह का जो आचरण करते हैं, यानी जो सम्यक रूप से इस भौतिक तत्व का उपयोग करते हैं, इस भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं, प्राणमय शरीर का उपयोग करते हैं, मनोमय शरीर का उपयोग करते हैं, विज्ञानमय शरीर का उपयोग करते हैं, वैसे लोगों का क्या होता है? प्रजापति व्रत का उनका पालन होता है, और वैसे लोग जो हैं मिथुन उत्पन्न करते हैं। यह मिथुन जो शब्द है यह बहुआयामी शब्द है। मिथुन का अर्थ जोड़ा होता है, तो भौतिक स्तर पर हम यदि प्रजा उत्पन्न करने के स्तर पर समझे तो लड़का और लड़की, पुत्र और पुत्री उत्पन्न करना, यह मिथुन का मतलब होता है। और यदि हम प्राणमय शरीर को देखें तो वहां पर जो हमारे प्राण हैं, हमारे मुख्य रूप से 10 प्राण माने जाते हैं, उनमें से 10 प्राण में से एक को प्राण कहा जाता है, जो हमारी जैविक शक्ति है, जो कि हमारे शरीर को चलाती है, हमारे शरीर की हर गतिविधि को चलाती है, वैसी शक्ति को प्राण कहा जाता है। और एक वह प्राण है जो पूरे अस्तित्व को चलाती है। तो ये दो प्राण हैं, इन दोनों का मिथुन होता है, संयोग होता है, ये जोड़े जो है बनते हैं, उसका बोध होता है हमें। तो हमारे इस शरीर के भीतर जो प्राण है उसका उस बाहरी जो प्राण है उस प्राण के साथ संबंध बनता है, यानी हमारे इस जैविक प्राण का उस अस्तित्वगत प्राण का संबंध बनता है, इस व्यक्तिगत प्राण का उस समग्र प्राण से, उस समिष्टि प्राण से, यह जो व्यष्टि प्राण है उसका वह जो समिष्टि प्राण है उनका जो है जोड़ा बनता है। उसी तरह से फिर मनोमय शरीर में यदि हम चले जाते हैं तो हमारा यह व्यष्टि मन है, और वह पूरा अस्तित्व जो है उसका समिष्टि मन है, यानी यह जो चेतना है वह हमारे अंदर भी प्रवाहित है और बाहर भी प्रवाहित है। उसी तरह से जो विज्ञानमय कोष है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के जो नियम हैं, जो जिन नियम से हम स्पंदन कर रहे हैं, जिन नियमों से हमारे शरीर में कोई भी घटना घटित हो रही है, और जिन नियमों के कारण इस
पूरे अस्तित्व में घटना घट रही है उनका हमारे शरीर के साथ ऐसा संबंध बनता है। जब हम उस प्रजापति व्रत का पालन करते हैं तब इसका यह फल होता है कि हमें इसका बोध होता रहता है और उसके बाद फिर आनंदमय कोष आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वह जो आनंदमय कोष है जिसको यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वह ब्रह्मलोक क्या है, वही आनंदमय कोष है। तो वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो उसके लिए क्या क्या कहते हैं कि सत्यम प्रतिष्ठितम, यहाँ सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी व्यक्ति जो है वह सदैव सत्य पर आरूढ़ रहे, सत्य वचन बोले, सत्य वचन पढ़े सुने, उसी का प्रतिपादन करे, उसी का अध्ययन करे, उसी का मनन करे, उसी का अनुपालन करे सदैव, और ब्रह्मचर्य का यानी ब्रह्म की तरह जिसमें चर्या होती है यानी न्याय के साथ वह रहे, सत्य के साथ रहे और अपने वीर को अपनी शक्ति को सुरक्षित रखे और अपने शौर्य को मजबूत रखे और जनहित में काम करे। ब्रह्मचर्य की तरह प्रतिष्ठा तभी होगा जब जन लोक में काम करेगा, जब सभी प्राणियों के हित में, सर्वभूतेषु रतः, गीता में कहा गया है कि जो सभी जीवों के कल्याण में रत है। तो यहाँ जो ब्रह्मचर्यम है इसको समझना चाहिए कि वह जो शक्ति हम जो अपने में समाहित करेंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ शक्ति हमारे में आ जाए, शक्ति का करेंगे क्या, शक्ति जो है उस शक्ति का सदैव सदुपयोग होना चाहिए, उसका पूरे अस्तित्व के उपयोग में उस शक्ति को हमें लाना, इसका संकल्प करना चाहिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए उस शक्ति को हम लगाएंगे, इसका संकल्प करना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य है। तो कहते हैं कि इस तरह का जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं और तप करते हैं, तप अर्थात तमाम तरह के, वो दुखों से भागते नहीं है, दर्द से भागते नहीं है। बहुत लोग तो तप करते हैं दुख से बचने के लिए, यहाँ दुख से बचने का बहुत मतलब नहीं है, दुख से बचने कोशिश नहीं करनी है, दुख को हम ग्रहण करें दुख से मुक्त होने के लिए, हम दुख से घबराए नहीं, दुख का सदैव उपचार ढूंढें, दुख का सदैव निदान ढूंढें, यदि दुख है तो दुख से मुक्ति भी तो है, दर्द है तो दर्द से मुक्ति भी है। तो हम तप करते हैं और अपने को बेहतर करने के लिए, हमारे में सहिष्णुता बढ़ जाए, हमारे में वो शक्ति बढ़ जाए जिससे हम दर्द के पार चले जाएं, दुख के पार चले जाएं, दुख के सारे विज्ञान को हम समझ जाएं और उसके हिसाब से हम बर्ताव करना सीखें और दूसरे को भी सिखाएं, और उसके लिए हमें जो जो करना पड़े वह तप कहलाता है। तो कहते हैं जैसे जो तपी होते हैं, ऐसे जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, जो सत्य व्रत का पालन करते हैं, उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन्हीं को आनंद लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इसका यह मतलब है। तो हर एक स्तर पर जो है, जो प्रजापति व्रत का जो फल है, जो मिथुन का पादन होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तप ब्रह्मचर्य ये सब सत्य जो है यह अपने आप में न सिर्फ साधना है बल्कि यह सिद्धि भी है, सत्य साधना भी है और सिद्धि भी है, सत्य बोलकर हम सिर्फ सत्य ही पाएंगे। तो हमारा जितना भी है, जितने भी तरह के कोष है, ये पांचों कोष जो है, वो पांचों कोष अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये पांचों कोष इसलिए है कि इनका हम उपयोग करें, इनको हम जाने और उपयोग करें और दूसरों को भी जितना हो सकता है इस विषय में बताएं और उन्हें इस ओर अग्रसर कराएं। यही जो है इस व्रत का वास्तविक फल होना चाहिए। ओम।